हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं बनाऊंगी राजमा टिक्की। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है राजमा, ये उबला हुआ राजमा है बॉइल्ड। और ये दो आलू ले लिए हैं बॉइल्ड करके, उबाल लिए हैं इसको, और कद्दूकस में घिस लिए हैं। और ये ले लिया है धनिया, ये थोड़ा सा गरम मसाला, ये थोड़ी सी चिली फ्लेक, और ये ले लिया है दो मिर्ची बारीक कटी हुई। ये पहले हम राजमे को मैश कर लेंगे इस तरीके से दबा दबा के इसको मैश कर लेंगे। राजमे को हमने मैश कर लिया है फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरीके से। हमने आलू में डाल दिया है और अब डालेंगे इसके ऊपर हरा धनिया। आप अच्छे से डाल दीजिए। हरा धनिया हमने डाल दिया है और ये धनिया पाउडर है, थोड़ा सा चिली फ्लेक और गरम मसाला है। और यहाँ हम यूज़ करेंगे थोड़ा सा ये जलजीरे का मसाला। और ये ले लिए हरी मिर्चें कट करके। और अब हम ले लेंगे नमक स्वाद अनुसार, इसी तरह मिला लेंगे इसको हाथों की सहायता से। देखिए आलू राजमे का डो तैयार है। इसमें हमने 2 चम्मच गेहूं का आटा मिलाया है, वो इसलिए कि कभी कभी क्या होता है कि आलू ना आप अगर फ्राई करेंगे ना टिक्की तो वो बिखर जाती हैं, तो आटा जो है उसको बांध लेगा। तो मैंने 2 चम्मच इसमें आटा यूज़ किया है, गेहूं का आटा। गैस को हमने ऑन कर लिया है और हम घी गर्म करने रखते हैं। मैंने यहाँ देसी घी लिया है, आप ऑयल भी ले सकते हैं। और इतने घी गर्म होता है इतने हम टिक्कियाँ बना लेते हैं, पेड़े उसके हाथ पे रखेंगे और टिक्की का शेप दे देंगे इसको। ऐसे ही सारी टिक्कियाँ हम बना के रख लेंगे, फिर उसके बाद फ्राई करेंगे। प्रकार से हमने बना ली हैं टिक्कियाँ और अब हम फ्राई करेंगे फ्रेंड। घी गरम हो चुका है और गैस को हमने अभी स्लो रखा है। पहले हम एक फ्राई करके देख लेते हैं। टिक्की नीचे से ब्राउन हो चुकी है, अब हम इसको पलटेंगे इस प्रकार। ये देखिए कहीं से फटी नहीं, बहुत बढ़िया उतर रही हैं। और अब हम और टिक्की भी डाल देंगे धीरे धीरे करके। गैस को मैंने अभी भी स्लो पे रखा है। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे कर देंगे फ्रेंड्स। और जब ये ब्राउन होने लगेगी तब इसको पलटेंगे। गैस को हमने स्लो कर लिया है और अब ये तैयार हो गई है पूरी। इस टिक्की को आप चाट बना के भी खा सकते हैं। ये हो गई है हमारी प्लेटिंग फ्रेंड्स, और ये धनिए और पुदीने की चटनी, और ये टमाटो सॉस। आप बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं, ब्रेड के साथ भी दे सकते हैं, पाव के साथ भी दे सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। और इसकी चाट भी बना के बहुत अच्छे से खा सकते हैं, दही और इमली की सौंठ के साथ, जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। और देखिए कितनी बढ़िया बनी है ये, आप देखिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।